भारत के मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर तो काम इतनी तेजी से शुरू है कि आने वाले एक साल के भीतर अब इसे तो पूरी तरह से कंप्लीट करके खत्म कर दिया जाएगा। इसी के ऊपर अब एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वैसे तो ये जो पूरा कॉरिडोर है DFC का हमारा 2840 किलोमीटर लंबा, इसमें से ऑलरेडी 1353 किलोमीटर लाइन तो ऑपरेशनल हो चुकी है और इस लाइन के लिए ही अकेले 85,000 करोड़ रुपीस खर्चे गए। आपको बता दें कि अभी ये खर्चा इसलिए इतना ज्यादा है बिकॉज 18,000 करोड़ रुपीस तो अकेले लैंड एक्विजिशन में ही चला गया और बचा हुआ जो खर्चा था तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और बेहद ही आधुनिक फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन और बेहद ही एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम में खर्चे गए हैं। और यहाँ पर तो ट्रेन्स, हमारी जो मालगाड़ियां हैं, आराम से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा की रफ्तार में दौड़ सकती हैं। वेल, अब ऑफिशियल्स की माने तो DFCC के मैनेजिंग डायरेक्टर RK जैन जी ने बताया कि 90% हमारा जो DFC का काम है जून 2023 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। कोविड की वजह से हाँ यहाँ पर जरा डिले हुआ था, लेकिन ओवरऑल काम काफी तेजी से शुरू है। अब भी करेंटली बात करें तो अकेले ईस्टर्न DFC में ही 65 फ्रेट ट्रेन दौड़ रही है फुल रफ्तार में। और वहीं बात करें वेस्टर्न DFC की, यहाँ तो 80 गुड्स ट्रेन, डीजल, इलेक्ट्रिक सब तरह की यहाँ पर ट्रेन्स दौड़ रही है, जो कोल से लेके फूड ग्रेन्स, स्टील, रॉ मटेरियल्स, ऐसे तमाम सारे गुड्स बेहद ही एफिशिएंटली ट्रांसफर करने में लगी हुई है। पूरे कॉरिडोर का ऑलमोस्ट 47% हिस्सा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ऑपरेशनल भी हो चुका है, और रेस्ट अभी बस एक साल के भीतर ही कंप्लीट करने का इन लोग का टारगेट है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।